फ्रेंड्स, अगर आप एक मैथ के एक्सपर्ट हैं, आप मैथ अच्छी तरह से सिखा सकते हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप मैथ अच्छी तरह से सिखा सकते हैविंग द एज ऑफ स्टूडेंट 8 to 11, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको आपको अगर आप मैथ सिखा सकते हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक मैथ एक्सपर्ट मैथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एजुरन की तरफ से मैथ एक्सपर्ट वैकेंसी आई, पार्ट टाइम वर्क है, आपको जब चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इट इज ए बिल्कुल रिमोट वर्क फ्रॉम होम है, आप इसे घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है दोस्तों, टीचिंग मैथ टू स्टूडेंट बेस्ड इन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एटसेट्रा, प्राइमरीली दे विल बी। ओके, यानी कि ये जो कुछ कंट्री मैंने बताई उनको आपको उस कंट्री के जो भी स्टूडेंट्स है आपको उनको मैथ सिखाना है। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे वो इतने एडवांस कंट्री है तो हमसे मैथ क्यों सीखेंगे। देखिए दोस्तों, चेक एक्सपर्ट ने यानी कि चेक इंडिया ने एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे में उन्होंने ऐसा फाउंड हुआ कि इंडिया के जो भी एक्सपर्ट है उनसे सबसे क्वालिटी के वीडियो सॉल्यूशन से या फिर सबसे क्वालिटी आंसर इंडिया की तरफ से जाते हैं। बाकी की कंट्री से हम अगर कंपेयर करें तो इंडिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा क्वालिटी आंसर इंडिया की तरफ से प्रोवाइड होती है। ठीक है, सो आप ये मन में अब से निकाल लीजिएगा कि इतने एडवांस कंट्रीज हो हमसे ट्यूशन लेना क्यों पसंद करेंगे। ओके, क्योंकि इंडिया के जो भी एक्सपर्ट है बहुत ही अच्छे सोल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, टीचिंग मैथ टू स्टूडेंट्स इन यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा, टू टीच चिल्ड्रन एज 8 to 11 स्टडिंग इन यूके प्राइमरीली स्कूल। ओके, जो कि यूके के जो प्राइमरीली स्टूडेंट्स है उनको आपको सिखाना है, हैविंग एज 8 to 11, देन कॉन्फिडेंट इन मैथ, आइडियली हैज एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथ। मतलब आपको अगर मैथ सिखाने का कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथ, मैथ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वहां पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अटेंडिंग ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि स्टूडेंट से आपको फीडबैक लेने है, उनसे कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये सब कुछ आपको एज ए टीचर यहाँ पे करना है। देन पीयर रिव्यू टू इंश्योर एरर फ्री डिलीवरी, यानी कि जो भी आप लेसन डिलीवर करते हैं तो आपको वहां पे कंफर्म करना पड़ेगा कि उस मतलब मैं अच्छी तरह से सिखा रहा हूं ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना स्टूडेंट को रह रहा, तो सबको आपको क्या करना है वहां पे रिव्यू करना है। देन राइट स्क्रिप्ट एंड प्रिपेयरिंग ई लर्निंग कोर्स, यानी कि उसके साथ आपको कुछ लर्निंग कोर्स भी वहां पे बनाने पड़ेंगे जो कि स्टूडेंट्स जब चाहे वहां पे देख सकता है। अब किस स्किल कौन से रिक्वायर चाहिए, आपको एक्सलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपको सिखाना है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी, क्योंकि सब कुछ आपको काम करना है कंप्यूटर पे करना है तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग विल बी प्रेफर्ड, अगर आपके पास ऑनलाइन ट्यूटरिंग का एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा, लेकिन नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे भेजिए, अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको ब्रॉडबैंड एंड स्पीड ऑफ मिनिमम 1 Mbps एंड मोबाइल इंटरनेट इज बैकअप, यानी कि आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए लैपटॉप और मोबाइल के साथ साथ। ओके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैथ इन ग्रेजुएशन, यानी कि क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मैथ में ग्रेजुएशन होना मस्ट है। अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में सीखना है। ओके, फैसिलिटी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते तो आपको मेडिकल भी फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको यहाँ पे मेडिकल रिम्बर्समेंट भी यहाँ पे मिल जाएगी। या दोस्तों, एक बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब है और यहाँ पे आपको 10,000 तक सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एज ए पार्ट टाइम इट इज ए बेस्ट सैलरी। ओके, 10,000 इट इज ए बेस्ट सैलरी। यहाँ पे आपको मेनली इवनिंग शिफ्ट मिलने वाले, इवनिंग मतलब 4 से 12 बजे तक शाम को यहाँ पे शिफ्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिंक मैंने हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाके आप लॉग इन करके अपना सीवी अपलोड करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाहते हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।